साथियों, मेरा नाम योगेश कुमार और आज के वीडियो में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वैल्यूएबल लगे दोस्तों, तो वीडियो को शेयर और कमेंट्स भी करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा आखिर सफल और असफल व्यक्ति में क्या फर्क है। सफल व्यक्ति के भी दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं और असफल व्यक्ति के भी दोस्तों दो हाथ दो पैर होते हैं, यस या नो? लेकिन इनमें फर्क क्या है दोस्तों, मैं आज एक कहानी आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। यदि इस कहानी को लास्ट तक आप देख लिए, यकीनन मानिए दोस्तों, आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज इसी कहानी के वजह से मेरी लाइफ बदल रही है दोस्तों। यदि आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, बहुत पुरानी कहानी है और इस कहानी को मैं बताना जा रहा हूं दोस्तों। दोस्तों, एक गांव की बात है, एक बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में एक अमीर व्यक्ति था और उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति था। तो गरीब व्यक्ति दोस्तों हमेशा भगवान से कोसता था कि भगवान, आपने मुझे गरीब क्यों बना दिया और आपने उसको अमीर क्यों बना दिया, आपने मुझे गरीब क्यों बना दिया, आपने मुझे गरीब क्यों बना दिया, आपने मेरे साथ गलत किया। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान ने जो गरीब था उसको भी अमीर बना दिया और जो गरीब था तो गरीब ही था, और भगवान ने दोनों को मछली पकड़ने का एक एक बंसी दे दिया। एक दिन की बात है दोस्तों, दोनों मछली पकड़ने के लिए तालाब गए और फर्स्ट टाइम वो लोग ओनली 10-10 मछली पकड़ के लेकर आए। जो पहले से गरीब था दोस्तों, उसने क्या काम किया, 10 के 10 मछलियों को परिवार में बना के खा गया। और जो बाद में गरीब बना था, उसने क्या काम किया दोस्तों, 9 मछलियों को मार्केट में जाकर के 2-2 रुपए के भाव से बेच दिया। उसके पास 18 रुपए इकट्ठा हो गए, बचे दोस्तों 18 रुपए इकट्ठा हो गए। उसने क्या काम किया, एक मछली जो बचा था उस मछली को परिवार में बना के खा गए। 18 रुपए में उसने क्या काम किया दोस्तों कि 10 रुपए में एक बंसी का छड़ी एक बंसी और लेकर आ गया और 5 रुपए में एक नौकर ला लिया। दोस्तों ये 10 और 5 15 रुपए हो गए। उसके पास मात्र बचे 3 रुपए। ये 3 रुपए को दोस्तों उसने बैंक में जमा कर दिया। जब वो दूसरे बार मछली पकड़ने के लिए गए तो वो दो लोग हो गए दोस्तों, और ये गरीब जो पहले से गरीब था वो गरीब एक अकेला था। जब नेक्स्ट टाइम वो लोग मछली पकड़ने के लिए गए दोस्तों, तो नेक्स्ट टाइम में जो बाद में गरीब बना था, उन्होंने 10 के जगह 20 मछली पकड़ कर लेकर आए, और जो पहले से गरीब था वो ओनली 10 ही मछली पकड़ के लाया दोस्तों। फिर से पुनः उसने क्या काम किया, जो पहले से गरीब था उसने क्या काम किया कि 10 के 10 मछलियों को परिवार में बनाया और खा गए। और जो बाद में गरीब बना था दोस्तों, उसने क्या काम किया, 20 मछलियों में 18 मछलियों को मार्केट में बेच के आ गया 2-2 रुपए के भाव से। उसके पास में 36 रुपए इकट्ठा हो गए और बचे 2 मछली दोस्तों, ये 2 मछली को परिवार में बना के खा गए। 36 रुपए में दोस्तों उन्होंने क्या काम किया, 10-10 रुपए में फिर से 2 बंसी लेकर आ गए, यानी मछली पकड़ने वाला बंसी, और 5-5 रुपए में 2 नौकर और ला लिया। अब उनके पास कितने बचे दोस्तों, 20 रुपए वो हो गए और 10 रुपए वो, यानी कि 30 रुपए बचे। 6 रुपए को दोस्तों उसने क्या काम किया, बैंक में जमा कर दिया। नेक्स्ट दिन की बात है दोस्तों, अगले दिन की बात है, जब नेक्स्ट टाइम वो लोग मछली पकड़ने के लिए गए तो वो लोग 4 लोग हो गए दोस्तों। कितने हो गए, 4 लोग हो गए, और जो पहले से गरीब था वो सिंगल ही था दोस्तों। 4 लोग हो गए वो लोग, और जब नेक्स्ट टाइम मछली पकड़ने के लिए गए तो 40 मछली पकड़ के लेकर आए, और जो पहले से गरीब था दोस्तों ओनली 10 का 10 ही मछली पकड़ के लेकर आया। 10 मछली पकड़ के लेकर आया दोस्तों, पुनः उसने 10 मछलियों को परिवार में बनाया और खा लिए। लेकिन जो बाद में गरीब बना था, उसने क्या काम किया, 38 मछलियों को दोस्तों 2-2 रुपए के भाव से, 2-2 रुपए के भाव से दोस्तों उसने मार्केट में बेच दिया। उसने क्या किया, मार्केट में बेच दिया और बाकी की मछलियों को परिवार में बना के खा गया। फिर से दोस्तों उसने क्या काम किया कि कुछ पैसों का फिर से वो बंसी लेकर आ गए और कुछ नौकर और लगा लिया। देखते 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 दोस्तों उसके पास में बहुत बड़ी टीम बन गई, बहुत बड़ी टीम बन गई। वो हजारों लोग हो गए दोस्तों, और जो पहले से गरीब था वो अकेले था। देखते देखते दोस्तों कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद,
जो बाद में गरीब बना था वो फिर से अमीर बन गया, गाड़ी बैंगलो उसके पास फिर से आ गया दोस्तों। एक दिन जो पहले से गरीब था उसके साथ आमने सामने में मुलाकात हुई, जो बाद में गरीब बना था वो फोर व्हीलर से आ रहा था, अपने मर्सिडीज से आ रहा था दोस्तों। सामने में उसको देखा, भाई साहब कहां जा रहे हैं आप? तो उन्होंने पूछा कि ये परिवर्तन कैसे, आप तो गरीब थे, आपके पास मर्सिडीज कैसे आ गया? तो उन्होंने बोला, भाई साहब आपको और मुझे, हम दोनों का एक ही काम था मछली पकड़ने का, आपका और मेरा काम एक ही था मछली पकड़ने का, लेकिन आप क्या करते थे और मैं क्या करता था उसमें थोड़ा सा मैं फर्क बताऊंगा। आप क्या करते थे कि 10 मछलियों को पकड़कर लाते थे और परिवार में बना के खा जाते थे, लेकिन मैं उन्हीं 10 मछलियों में से 8 मछलियों या 9 मछलियों को मैं मार्केट में, कुछ मछलियों को मार्केट में बेचता था और कुछ मछलियों को मैं परिवार में बना के खा जाता था। जो मछलियों को मैं मार्केट में बेचता था और जो रुपए मेरे पास में आते थे उस रुपए से मैं दूसरा बंसी लाता था और नौकर भी लगाता था। मेरे पास में दोस्तों, मेरे पास में लगातार बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। मैं दूसरे दिन 20 मछली पकड़ के लाया, फिर 40 मछली पकड़ के लाया और कुछ मछलियों को मैं परिवार में बना के खाता था और कुछ मछलियों को मार्केट में बेच देता था। देखते देखते मेरे पास में बहुत सारी टीम बन गई और बहुत सारी टीम बनने के साथ साथ मेरे पास बहुत सारे पैसे आने लग गए। मैं काम नहीं करता था फिर भी मेरे पास पैसे आने लग गए। और आप कुछ नहीं, आप क्या करते थे कि 10 मछलियों को लाते थे और परिवार में बना के खा जाते थे। आप में और मुझ में यही फर्क है, भगवान ने हम दोनों को एक जैसा काम दिया था, लेकिन आपका काम करने का तरीका अलग था और मेरा काम करने का तरीका अलग था। तो दोस्तों इस कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, कामयाब और नाकामयाब व्यक्ति में कोई फर्क नहीं होता है। कामयाब व्यक्ति के भी दो हाथ होते हैं और नाकामयाब व्यक्ति के भी दो हाथ होते हैं, लेकिन दोस्तों काम सबका सेम होता है लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग होता है दोस्तों। यही वजह होता है दोस्तों कि एक व्यक्ति सक्सेस हो जाता है और एक व्यक्ति अनसक्सेस हो जाता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार का वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इसी प्रकार का मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल कहानी यदि आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो तुरंत जाइए सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।